हेलो दोस्तों, गेट्स मशीन्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू कन्वर्ट मूरे मशीन टू मिले मशीन, जो कि इम्पॉर्टेंट पोर्शन है टीओसी का, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं मूरे टू मिले कन्वर्जन। एल्गोरिथम जो है इसका बहुत ही सिंपल है, तीन चार स्टेप है जिनके अंदर हम जो है मूरे टू मिले में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे आपको क्वेश्चन जो है दो तरीके से आ सकता है। पहला, आपको दिया होगा मूरे मशीन और इसको कन्वर्ट करना है मिले में, या फिर आपको ट्रांजिशन डायग्राम भी दिया हो सकता है या ट्रांजिशन टेबल भी दिया हो सकता है। अब ये तो है ट्रांजिशन डायग्राम, अगर इन केस आपको ट्रांजिशन टेबल दिया हो या आपको ट्रांजिशन टेबल बनाना हो, ये हमने ऑलरेडी मूरे मशीन जो है उसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया हुआ है, मूरे और मिले की डेफिनेशन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर ले, अदरवाइज आपको यहां पर भी क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, स्टेट्स लिख लो, डायग्राम में आपको दी होंगी, या तो डायग्राम दिया होगा उसके बेसिस पे ट्रांजिशन बना लो, या अगर ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है तो आप उसके बेस पे जो डायग्राम जो है वो भी बना सकते हो। ऑल्दो आप नहीं भी बनाना चाहते तब भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैं दोनों ही मेथड बता रहा हूं कि अगर आपको डायग्राम दिया है तो आप सीधा डायग्राम टू डायग्राम कन्वर्ट कर लो, अगर आपको ट्रांजिशन टेबल दिया है तो आपको ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लो, मतलब मूरे टू मिले का ट्रांजिशन एंड मूरे टू मिले का डायग्राम के बेसिस पे ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांजिशन टेबल ही बना लेते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए मैंने यहां पर पहले स्टेट्स लिख ली है, करंट स्टेट्स कौन कौन सी है वो लिख ली, जीरो और वन पे ट्रांजिशन कहां कहां होगी वो लिख लेते हैं, और आउटपुट क्या आएगी ये। तो ये मेरे पास जो है वो ट्रांजिशन टेबल इस तरीके से बनेगा, क्योंकि मेरे पास जो इनपुट सिंबल है वो जीरो और वन है। तो देखो क्यू नॉट जीरो पे कहां जा रहा है, क्यू नॉट पे जा रहा है, मतलब ये नेक्स्ट स्टेट है, दिस इज अ नेक्स्ट स्टेट एंड दिस इज योर करंट स्टेट। क्यू नॉट जीरो पे क्यू नॉट और वन पे जा रहा है क्यू वन पे, क्यू नॉट देन क्यू वन, क्यू वन वन पे जा रहा है क्यू नॉट पे, और क्यू वन जीरो पे जा रहा है क्यू टू पे ट्रांजिशन हो रही है, तो जीरो पे क्यू टू और वन पे क्यू नॉट, तो आप सिंपल लिख लो। देन क्यू टू, क्यू टू जीरो पे कहां जा रहा है, क्यू नॉट पे ट्रांजिशन है, और वन पे कहां है, वन पे क्यू वन पे ट्रांजिशन है, और जो आउटपुट है वो आउटपुट आपको इसके अंदर दिख रही है, क्यू नॉट की आउटपुट है जीरो, इस स्टेट की आउटपुट है वन, और इस स्टेट की आउटपुट है जीरो, तो जीरो वन जीरो। बस आप एक इस तरीके से ट्रांजिशन टेबल इसका बना सकते हो। तो लेट्स सपोज अगर आपको सिर्फ डायग्राम दिया है तो डायग्राम के बेसिस पे आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको ट्रांजिशन टेबल दिया है तो आप ट्रांजिशन टेबल के बेसिस पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले हम डायग्राम टू डायग्राम अगर कन्वर्ट करना चाहे तो यहां पे हमारे पास पता है कि जो मूरे मशीन है, मूरे मशीन के अंदर आउटपुट जो है वो अंदर होती है स्टेट के साथ मिली होती है, और जो मिले मशीन है, मिले मशीन में आउटपुट जो है वो इनपुट और आउटपुट स्लैश करके हम यहां पे लिखते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। सबसे पहले आप क्या करो, स्टेट्स लिख लो, Q0, Q1 एंड Q2, तीनों स्टेट्स जो हमने बना ली, स्टार्टिंग स्टेट आपकी एज इट इज रहेगी, क्यू नॉट थी तो यहां पे भी क्यू नॉट रहेगी। अब देखो आपको पता है मिले मशीन के अंदर जो है वो आउटपुट नहीं होती, तो हमने नहीं बनाई, हमने सिर्फ स्टेट बनाई है एज इट इज। अब आपको जैसे जैसे ट्रांजिशन बन रही है बस ऐसे ऐसे चलते जाना है। देखो सबसे पहले क्यू नॉट, क्यू नॉट जीरो पे कहां जा रहा है, क्यू नॉट जीरो पे क्यू नॉट पे ही जा रहा है, आपको चेंज नहीं करना कुछ भी, बिल्कुल सिंपल है, जीरो पे जा रहा है तो आप जीरो पे ही रखो, लेकिन स्लैश के साथ आउटपुट क्या दिखाओगे, यहां पे आउटपुट क्या आ रही है, सिंपल सा फंडा है। देखो जीरो पे कहां जा रहा है, क्यू नॉट पे जा रहा है, जिस स्टेट पे वो जा रहा है उस स्टेट की आउटपुट क्या है वो इसके साथ लिख दो, क्योंकि यहां पे आपको आउटपुट दी होगी। इस डायग्राम को देखो, जीरो पे कहां जा रहा है, क्यू नॉट पे जा रहा है, और क्यू नॉट का आउटपुट क्या है, जीरो, तो यहां पे जीरो, दैट्स इट, जिस स्टेट पे जा रहे हैं उस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट लिख दो। अब देखो क्यू नॉट वन पे कहां जा रहा है, वन पे जा रहा है क्यू वन पे, वन पे जा रहा है क्यू वन पे, और क्यू वन की आउटपुट क्या है, वन, तो बस यहां पे वन लिख दो, जिस स्टेट पे आप पहुंच रहे हो उस स्टेट की आउटपुट को यहां पे लिख दो। दैट इज व्हाट द हाउ टू कन्वर्ट द मूरे टू मिले। देन ये भी ले लो, वन वन पे ये जा रहा है क्यू नॉट पे, और क्यू नॉट की आउटपुट क्या है, जीरो, तो लिख दिया। नेक्स्ट क्यू वन जीरो पे कहां जा रहा है, क्यू टू पे जा रहा है, और क्यू टू के आउटपुट क्या है, जीरो, तो इस तरीके से लिख दो। अब देखो क्यू टू से क्यू वन पे जा रहे हैं हम विद द इनपुट सिंबल वन, और कहां जा रहे हैं, क्यू वन पे पहुंच रहे हैं, और क्यू वन की आउटपुट क्या है, वन, तो इसके साथ लिख दो। और लास्ट यहां पर क्या है, ये वाली जो ट्रांजिशन बची दैट इज जीरो,
जीरो के लिए क्यू टू से हम जा रहे हैं क्यू नॉट पे, और क्यू नॉट की आउटपुट क्या है? जीरो। मतलब जहां पे आप पहुंच रहे हो डेस्टिनेशन की जो आउटपुट है वो इसके साथ लिख दो, दैट इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट। तो देखो सारी ट्रांजिशन जो है सारे इनपुट सिंबल के लिए हमने बना दी, तो ये लो ये आपकी क्या बन गई, मीले मशीन जो है वो बन गई। अब अगर आपको ट्रांजिशन टेबल दिया हो, अब ट्रांजिशन टेबल से आपको कन्वर्ट करना है तो एक मेथड तो वैसे सिंपल ही है, ट्रांजिशन टेबल से डायग्राम बना लो और फिर कन्वर्ट कर लो। लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करना, क्योंकि क्या होगा अगर क्वेश्चन में ट्रांजिशन टेबल दिया है तो हो सकता है ऑप्शन में भी आपको ट्रांजिशन टेबल ही दिया हो, तो पहले आप कन्वर्ट करोगे फिर आप दोबारा से टेबल बनाओगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको डायग्राम दिया है और आपको ऑप्शन में भी जो है वो डायग्राम ही दिया होगा, तो पहले आप कन्वर्ट करोगे फिर आप डायग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों मेथड जो है वो बिल्कुल सिंपल है। यहां पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेट्स लिख लो सारी की सारी, करंट स्टेट कौन कौन सी है, Q0, Q1, Q2 लिख लिया, देन 0 पे क्या ट्रांजिशन है, 1 पे क्या ट्रांजिशन है, मतलब नेक्स्ट स्टेट कौन कौन सी है वो आप एज इट इज कॉपी कर दो, जो यहां पे लिखा है एज इट इज कॉपी कर दो, मतलब Q0, Q2, Q0 एज इट इज कॉपी कर दो, जो यहां पे लिखा है 1 पे Q1, Q0, Q1 एज इट इज कॉपी कर दिया। आउटपुट यहां पे नहीं लिखनी, जो आउटपुट हमने यहां पे लिखी है वो यहां पे नहीं लिखनी, क्योंकि आउटपुट जो है वो मीले मशीन की डिपेंड करती है स्टेट पे और सिंबल पे, मतलब आप जी कौन सी सिंबल दे रहे हो, लेकिन यहां पे हमारे पास सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, तो स्टेट का कॉरेस्पॉन्डिंग हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां नहीं लिखनी। यहां पर अब आउटपुट आपको कैसे लिखनी है, सिंपल हर एक के साथ हमने लिखनी पड़ेगी, तो क्यू नॉट हमने पहले इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, जीरो वाली लाइन को एज इट इज कॉपी, वन वाली लाइन को एज इट इज कॉपी कर दिया। अब आपको इसकी आउटपुट लिखनी है, तो आउटपुट लिखने के लिए करना क्या है, सिंपल सा मेथड है, आप क्यू नॉट की इस टेबल में देखो क्यू नॉट की आउटपुट क्या थी, जीरो, तो आप क्यू नॉट यहां पर क्यू नॉट है जीरो लिख दो। क्यू टू, क्यू टू के साथ क्या लिखोगे, क्यू टू आप इस पे जाओ, क्यू टू की आउटपुट क्या थी, जीरो, यहां पर जीरो। नेक्स्ट क्यू नॉट, क्यू नॉट इस टेबल में देखो क्या आउटपुट थी, जीरो, एज इट इज जीरो, सिंपल। क्यू वन, क्यू वन की आउटपुट यहां पे क्या थी, वन, तो इसके साथ लिख दो वन। क्यू नॉट, क्यू नॉट की आउटपुट क्या थी, जीरो, उस टेबल में देखो और उस टेबल के बेसिस पे आप सिंपल लिखते जाओ, क्यू वन की आउटपुट क्या है, वन, तो ये लो जी क्यू वन की आउटपुट क्या होगी, वन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट द ट्रांजिशन टेबल ऑफ द मूरे टू द ट्रांजिशन टेबल ऑफ द मीले, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ द मूरे टू द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ द मीले। तो ये बेसिक सा जो है वो डिफरेंस है, या आप कह सकते हो कि कन्वर्जन है फ्रॉम मूरे टू मीले। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एम स्टेट, ये कई बार जो है वो थ्योरी में पूछ लेते हैं, एम स्टेट एन आउटपुट, मतलब आपके पास एक मूरे मशीन दी हुई है, मूरे मशीन जिसके अंदर m नंबर ऑफ स्टेट्स हैं और n आउटपुट्स हैं, मतलब जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कितनी स्टेट है, 1 2 3, थ्री स्टेट है और कितनी आउटपुट है, तीन ही आउटपुट है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो मीले में तो एटमोस्ट, मतलब आप कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा आपको कितनी स्टेट्स मिलेंगी, m स्टेट्स ही मिलेंगी, इससे ज्यादा स्टेट्स नहीं बनेगी। मतलब जितनी स्टेट आपके पास मूरे में थी उतनी ही स्टेट आपके पास मीले में आएंगी, हाँ उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी। सो दिस इज हाउ द मेन पॉइंट्स एंड हाउ वी हैव टू कन्वर्ट द मूरे टू मीले। थैंक यू।